वॉट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या होता है कि जनरली हम लोग इंटरनेट को यूज करके कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। डूइंग बिजनेस थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, वेदर इट इज बाइंग और सेलिंग गुड्स, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है जिसको हम लोग इंटरनेट की सहायता से कर रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस गेम्स, वीडियोस, ई बुक्स, सर्च, डोमेन नेम सर्विस, ई लर्निंग और ई एजुकेशन ऑन द इंटरनेट ऑल्सो कम अंडर ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम लोग कोई चीजें खरीदे या फिर बेचे, ठीक है, सिर्फ इसी को हम लोग कॉमर्स नहीं बोलते हैं। आज की डेट में हम लोग के पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं जिसको हम लोग परचेज करते हैं या फिर हम लोग उसमें कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। जैसे गेम्स है, गेम्स में बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग अर्न करते हैं। वैसे अगर हम लोग को और वहाँ कॉइन्स चाहिए या फिर पॉइंट्स चाहिए तो हम लोग को कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पबजी होता है, पबजी में स्किन हम लोग को लेना है, वेपन्स हम लोग को लेना है, ठीक है। तो अगर और अच्छे अच्छे हम लोग को कुछ कुछ चीजें उसमें लेनी होती है तो हम लोग को उसमें से परचेज करना होता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, ई कॉमर्स है। वीडियोस है, वीडियोस को भी सब्सक्राइब करना पड़ता है, जैसे यूडेमी हो गया, ठीक है, बायजूस है, ठीक है। ये सारे क्या है, ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हम लोग पेड भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, पेड वीडियोस भी होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे वीडियोस में भी कुछ बिजनेस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ई बुक्स है, ई बुक्स भी हम लोग को परचेज करना होता है। अगर हम लोग के पास हार्ड कॉपी नहीं है उस चीज की, मतलब ओरिजिनल बुक नहीं है, तो हम लोग उसका ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड हम लोग करते हैं तो हो सकता है कि जो भी उस पीडीएफ का ओनर हो या फिर ई बुक का ओनर हो वो हम लोग से कुछ पैसे ले, ठीक है। सर्च करने के लिए भी बहुत सारे सर्च इंजन्स जो है वो पे करवाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सर्विस भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, वो परचेज करना पड़ता है, ठीक है। मैंने बताया है पूरा का पूरा डोमेन कैसे परचेज करते हैं, ठीक है। ई लर्निंग जैसे यूडेमी हो गया, ठीक है, बायजूस हो गया, ठीक है, वाइट हैट जूनियर एस, इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। और ई एजुकेशन और ई लर्निंग लगभग लगभग दोनों एक ही प्रकार के, दोनों इंटरनेट का यूज करके वहाँ पे हम लोग को लर्निंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जूम में क्लास ले रहे हैं, तो जूम भी क्या करता है, ये जूम जनरली फ्री वर्जन है, 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 40 मिनट्स में बंद हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटे की हम लोग क्लास ले या फिर कुछ और हम लोग यहाँ पे मीटिंग लेना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ई लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं हमारे ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। डेट इज ऑल सच एरियाज थ्रू विच फाइनेंशियल बेनिफिट्स आर टेकन बाई गिवन फैसिलिटीज टू द कस्टमर एंड ऑल्सो सच एरियाज इन विच इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी ऑब्टेन थ्रू एडवर्टाइजिंग बाई नॉट एक्सचेंजिंग मनी डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एरियाज होते हैं इंटरनेट पे जहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब या तो हम लोग पैसे कमा सकते हैं या तो हम लोग किसी को पैसे देते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट वहाँ पे हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। जो कि कैसे मिलता है, हम लोग कुछ ना कुछ फैसिलिटीज किसको देंगे, कस्टमर को हम लोग कुछ फैसिलिटीज देंगे, उसके आधार पर हम लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब होता है कि आप कुछ पे करो, आपको भी वो प्लेटफॉर्म कुछ पे करेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे आजकल चिट फंड्स होते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि MPL है, या फिर जो बेटिंग वाले जो एप्स होते हैं उसमें भी हम लोग को पे करना पड़ता है, फिर वो हम लोग को पे करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे मनी एक्सचेंज के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है मनी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अंडर ई कॉमर्स यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। टुडे वी यूज ई कॉमर्स थ्रू इंटरनेट, सो द वेबसाइट यू यूज ड्यूरिंग दिस टाइम इज कॉल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। हम लोग जिस
तरीके से हम लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो तरीका क्या है, वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग इस प्रकार के वेबसाइट्स देखते हैं या फिर ऐप्स देखते हैं, ठीक है, सबको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। ई कॉमर्स इज ऑल्सो कॉल्ड बाई एक्सटेंशन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स को हम लोग यहाँ और क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ई कॉमर्स इज मेड अप ऑफ बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सर्विस ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो ई कॉमर्स किस किस से बना होता है, बाइंग से, सेलिंग से, ठीक है, मार्केटिंग से, सर्विस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स में करते रहते हैं। ऑनलाइन हम लोग देखेंगे कि आज के डेट में इतने सारे ऑप्शंस मिल गए जहाँ पे हम लोग कुछ बाई करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ मार्केट करते हैं। मार्केट करना मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, या फिर कुछ हम लोग सर्विसेज देते हैं, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, ऑनलाइन सर्विसेज हो, या कुछ और प्रकार की सर्विसेज, सारी चीज़ें हम लोग को आजकल मिल जाती है। तो सभी उस प्रकार के वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स बोलते हैं। दीज सर्विसेज आर ऑल्सो परफॉर्म्ड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। ई कॉमर्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू कंप्यूटर। तो हम लोग को ई कॉमर्स क्या करता है, हम लोग को बिजनेस करने की परमिशन देता है कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। अगर हम लोग को ई कॉमर्स का बिजनेस करना है या फिर हम लोग को कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर के जरिए ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो बिजनेस रिलेटेड फाइल्स कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। जो भी बिजनेस रिलेटेड फाइल्स हो, चाहे वो पेमेंट ऑप्शन हो या फिर ऑर्डर हो, कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जाता है। और ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कहाँ से कहाँ तक जाता है, क्लाइंट से लेके सर्वर तक जाता है। अगर हम लोग मान के चलो फ्लिपकार्ट में कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं और ऑर्डर करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग जब प्रोडक्ट को सर्च किए और उसको ऑर्डर किए, ठीक है, तो हमारे क्लाइंट मशीन से एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है। ऑर्डर प्लेस हो रहा है मतलब एक रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब एक बिजनेस रिलेटेड फाइल वहाँ पे क्या होगी, एक्सचेंज होगी, ठीक है। जो चीज़ हम लोग ऐसे पेपर पेन में लिख के ऑर्डर करते थे, वही चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार का प्रोक्योरमेंट वहाँ पे जाता है, प्रोक्योरमेंट को प्रोसेस करता है, वो अपने स्टॉक पे चेक करेगा कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। कई बार होता है कि वहाँ पे अवेलेबल दिखाता है लेकिन जब ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होता है। तो उस प्रकार से वो ऑर्डर प्लेस करते समय स्टॉक पे चेक करेगा, ठीक है, स्टॉक में अगर अवेलेबल होगा तो ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ कुछ बिजनेस रिलेटेड फाइल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे सेंड किए जाते हैं, ठीक है। एनी कंपनी कैन एक्सप्लेन इस प्रोडक्ट इन डिटेल, वी कैन बाई एनी प्रोडक्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। जितनी भी कंपनीज होती है, जो भी प्रोडक्ट सेल करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे हम लोग को बताती है, ठीक है। वो डिटेल जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में बैठ के हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के हम लोग उसको एक्सेस करते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सारी चीजें जानते हैं, ठीक है। सारे डिटेल्स जब हम लोग को मिल जाएगी, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके बाद ही हम लोग उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर किसी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है तो कंप्यूटर को एक्सेस करके वो प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है। इस इतनी फैसिलिटीज हम लोग को आज के डेट में इंटरनेट पे मिल गई है। ई कॉमर्स इज द फैसिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस कमर्शियल कम्युनिकेशंस एंड मैनेजमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स सच एज ईडीआई एंड ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन। ई कॉमर्स हम लोग को एक ऐसी फैसिलिटी देता है जिससे हम लोग कमर्शियल कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान के चलो कोई भी कंपनी है, उसके दो या तीन ब्रांच है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई एक बैंक है, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई भी एक बैंक है, उसकी जो ब्रांच है वो भिलाई में है, एक रायपुर में है, एक बिलासपुर में, ठीक है, तीन जगह में है। तो अगर हम लोग को कोई भी डेटा सेंड करना है भिलाई से लेकर रायपुर तक, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या वॉइस के थ्रू या वीडियो के थ्रू, ऐसा हम लोग डेटा नहीं भेजेंगे। सब चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, हर डॉक्यूमेंट बनेगा उसका एक फॉर्मेट होगा, वो
एज ए डेटा वहां पे सेंड होगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स हम लोग को क्या फैसिलिटी देता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोग कर सके, बिजनेस कमर्शियल कम्युनिकेशन हम लोग कर सके, और उसका मैनेजमेंट भी हम लोग कर सके थ्रू ईडीआई। ईडीआई को हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में टॉपिक भी है ईडीआई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसको बोलते हैं हम लोग, एंड ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, ठीक है। ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन क्या होता है कि जैसे मान के चलो बैंक में क्या होता है कि दिन भर में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं हर किसी के अकाउंट में, वो शाम को सर्वर पे अपलोड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग रायपुर जा रहे हैं, कोई एक बंदा सीडी में डेटा लेके आ रहा है, ठीक है, या फिर पेन ड्राइव में डेटा लेके आ रहा है, ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ा होता है, और इंटरनेट के थ्रू क्या करता है, सारा डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज कर लेता है, ठीक है। ई कॉमर्स इज द टेक्निक ऑफ सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय बिजनेस एंड कस्टमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स जनरली क्या है कि ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनेट पे हम लोग सेल कर सकते हैं या फिर हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। वो चाहे बिजनेस हो या फिर कोई भी कंज्यूमर हो। हुआ है डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपली पुट ई कॉमर्स इज अ प्रोसेस बाय विच बिजनेस एंड कंज्यूमर सेल एंड बाय गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस या कोई भी कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है या फिर बेच सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हमेशा कंप्यूटर के टर्म्स में होता है इंटरनेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बिजली से चला रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, अगर बिजली से हम लोग नहीं चला रहे तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हमेशा जहां पे भी हम लोग ई लगा हुआ देखते हैं, इसका मतलब हम लोग को समझ जाना है कि वो इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970 यूजिंग ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज टेक्नोलॉजी। थ्रू दिस बिजनेस डॉक्यूमेंट्स सच एज परचेस ऑर्डर्स इनवॉइसेस वेयर सेंट इलेक्ट्रॉनिकली। लेटर इट केम टू बी नोन एज वेब फॉर्म्स एज मोर एक्टिविटीज। इट्स पर्पज वॉज टू डूइंग ई शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा थ्रू द HTTP सर्वर ओवर WWW कैट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब देखो ई कॉमर्स जनरली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में, ठीक है। जनरली यहाँ पे जब ई कॉमर्स का एक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उस टाइम पे इसको ई कॉमर्स नाम नहीं दिया गया था, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोला जाता था, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, बिजनेस डॉक्यूमेंट को इंटरचेंज करते थे। इंटरचेंज करना मतलब हम लोग कोई परचेज ऑर्डर को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेज रहे हैं, इनवॉइसेस हम लोग भेजते हैं, ठीक है, जो कि सारा चीज इलेक्ट्रॉनिकली सेंड हो रहा था, ठीक है। बाद में उसको क्या नाम दे दिया, वेब फॉर्म्स का नाम दे दिया, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज उसमें जुड़ने लगी जिसको हम लोग वेब फॉर्म्स की तरह हम लोग करने लगे, ठीक है। तो इसका जनरली पर्पस क्या था, इसका जनरली पर्पस था ई शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब ये यहाँ पे HTTP सर्वर के द्वारा किया जाता था। HTTP सर्वर मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, ठीक है। HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि वेब पेज को एक जगह से दूसरे जगह रीडायरेक्ट करता है, मतलब लिंक करता है, ठीक है। जितना भी हम लोग यहाँ पे वेबसाइट्स वगैरह में पेजेस लिखते, सारा चीज क्या रहता है, लिंक रहता है, ठीक है। उसको लिंक कौन करता है, HTTP सर्वर लिंक करता है, ठीक है, ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो मेन पर्पस HTTP सर्वर का क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज और परचेज ऑर्डर इनवॉइसेस ये सारा चीज इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करना, ठीक है। 1970s में जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय यही प्रोसेस इसका हुआ करता था। फिर इन 1979 द अमेरिका
नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट डेवलप्ड ASCX12 एज ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस टू शेयर डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। ठीक है, एक प्रकार का यहाँ पे प्रोसेस बनाया गया ASCX12। ठीक है, ASCX12 क्या करता था कि एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया जिसके थ्रू एक फॉर्मेट डिजाइन किया गया। ठीक है, जितने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते थे इलेक्ट्रॉनिकली अगर सेंड हो गए तो उसी फॉर्मेट में ही सेंड हो गए, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके वहां पे सेंड करेंगे। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू थिंक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स विदाउट ई बे एंड अमेजॉन विच वेयर अमंग द फर्स्ट इंटरनेट कंपनीज टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो बहुत साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो ई बे और अमेजॉन ये सबसे पुराने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। ठीक है, जो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स मतलब कुछ खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसके बारे में ये दो ही कंपनी जो है वो लेजेंड है आज के डेट में भी, ई बे और अमेजोन। ठीक है, ई बे आजकल अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बहुत कम कर दिया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसका चलता है, इंडिया में बहुत कम चलता है, अमेजोन इंडिया में भी चलता है और वर्ल्ड वाइड भी सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, द यूज ऑफ कंप्यूटर इज बिकमिंग मोर एंड मोर इन एवरी फील्ड, बिजनेस मैन हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, जितना ज़्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में कंप्यूटर का उतना ही सभी फील्ड में यहाँ पे यूज किया जा रहा है कंप्यूटर का, और जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं जो बिजनेस मैन होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो भी सारा अपना बिजनेस जो है कंप्यूटर के माध्यम से कर रही है। विद इट यूज मैक्सिमम वर्क इज कंप्लीटेड इन लेस टाइम एंड एनी इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एनी वेयर इन द होल वर्ल्ड इन लेस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क जो हो रहा है वो सारा चीज कंप्यूटर में हो रहा है। अगर हम लोग को एक डेटा सेंड करना है दूसरे जगह तो हम लोग इजिली हम लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, थोड़े से टाइम में ये सेंड हो जाता है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट ऑडियो इमेज ग्राफिक्स एक्सेट्रा। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज और ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हो सकता है। टूडेज बिजनेसमैन आर ट्राइंग टू मेक देयर प्लेस इन द वर्ल्ड बाई यूजिंग ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी एंड देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो अपना जो है पैर फैला रहे हैं ई कॉमर्स की दुनिया में भी, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी में भी, जिससे अपनी बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री ई कॉमर्स के बारे में।